नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं अंकिता सिंह। खबर उत्तराखंड से है, जहां प्रदेश में आगामी 6 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 25,000 किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख तथा समूहों को 5-5 लाख का ऋण वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य मुख्यालय के साथ ही प्रदेश के विकास खंड स्तर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री देहरादून में किसान भवन के निकट मैदान में इस योजना का शुभारम्भ करेंगे। इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। सीएम रावत ने इस आयोजन को व्यापक रूप से आयोजित करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक किसान व समूह इसका लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला मुख्यालयों एवं ब्लॉक मुख्यालयों में ऋण वितरण की रूपरेखा तय की गई है। साथ ही जनपद व ब्लॉक मुख्यालयों में स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि रिंग रोड स्थित किसान भवन के निकट मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनपद के लगभग 250 किसानों को 3 लाख तक के चेक शून्य ब्याज दर पर वितरित करेंगे, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालय में चेक वितरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि देहरादून के मुख्यमंत्री द्वारा ऋण वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से जिला मुख्यालयों में NIC केंद्रों एवं ब्लॉक मुख्यालयों में स्वान केंद्रों के माध्यम से सीधे किसान एवं कार्यकर्ता लाइव देख सकेंगे। इसी के साथ प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय में भी संबंधित लाभार्थियों को स्थानीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक एवं दायित्वधारियों द्वारा चेक वितरण किए जाएंगे। जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा सूची तैयार की गई है, जिसकी सूचना सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित को दी जाएगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि NIC एवं ITDA मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जनपद एवं ब्लॉक स्तर तक लाइव प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्राइम न्यूज़ 24 उत्तराखंड ब्यूरो।